सबसे पहले आपको इमेज का जो साइज है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल बैनर को सिलेक्ट करके सिंपली आप इसका कलर चेंज कर लेना, और इसका कोड भी मैं बता दूंगा। जैसे कि आप ये कलर रेड ले रखा है, इसका कोड ये है, देख लो आप। कोड इस तरीके से भी आप लगा सकते हो इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद अब हमें जो फॉन्ट है उसका सारा का सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप फॉन्ट वगैरह भी आप चूज कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना चैनल नेम लिख ले रहा हूँ जो है टेक्नोबुक। आप भी लिख सकते हो अपने चैनल नेम या तो कोई दूसरा चीज भी। इसका फॉन्ट मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ अभी, देख लो, मेड टॉमी ब्लैक, ठीक है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका ओबेसिटी हम 14% पे सेट कर देंगे, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ 14% पे। तो आप जैसा कि आप मेरे जैसे सेम टू सेम कर सकते हो, और इसका इसको स्ट्रेच कर लेंगे अपने स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ इसको, और इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे और इसको एक एक करके इसके नीचे हम लगाएंगे लाइन वाइज। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो। एक एक करके कॉपी करके और इसके नीचे आप अलाइन कर सकते हो, देख लेना अच्छे से ये सीधा 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 अलाइन हो जाए। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये करने के बाद इसको सिंपली सबको हम मर्ज कर देंगे, एक एक सिलेक्ट कर लेंगे एक एक क्लिक करके और सबको मर्ज कर देंगे। मर्ज मतलब होता है एक साथ इसको कर लेंगे सिंपली, कि टेक्स्ट हमारा इधर उधर ना हो। तो जैसे ही मर्ज करोगे तो सारा का सारा कंबाइन हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारा बैकग्राउंड में अभी यूज होगा जब हम अपना चैनल आर्ट बनाएंगे। तो ये बैकग्राउंड है एक्चुअली। तो ये करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे टेक्स्ट ले लेंगे एक, और यहाँ पे आप अपना चैनल नेम लिख सकते हो या कुछ भी, अगेन कुछ भी लिख सकते हो। मैं अभी अपना चैनल नेम लिखूंगा। तो यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वैसे इसका फॉन्ट मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ फॉन्ट पे आने के बाद, और इस बार लूंगा विजन बोल्ड करके। तो ये वाला फॉन्ट लेने का इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये इसको स्ट्रेच करके मैं यहाँ पे मिडल में लगा देता हूँ। अब इसका हम एक बैकग्राउंड लेंगे, तो यहाँ पे सेव ले लेता हूँ मैं, और सेब को थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ जिस जितना हमारा टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग में। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड बनाएंगे हम, तो इसको ब्लैक कलर का भी करेंगे। तो इसको स्ट्रेच करने का इसका कलर हम ब्लैक ले लेते हैं, तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा। अब इसको यहाँ से आप इसके नीचे लेके आ जाओगे जिससे टेक्स्ट हमारा ऊपर में आ जाएगा, और उसको सेंटर पर हम अलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक और टेक्स्ट लेंगे जिस पर हम लिखेंगे सब्सक्राइब। तो यहाँ प्लस वाला आइकन पर लिख करके यहाँ पर सब्सक्राइब सिंपली लिख लेंगे। तो मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ, सब्सक्राइब लिखने के बाद इसका भी फॉन्ट चेंज करेंगे। अगेन मैं जो भी हमारा फॉन्ट है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और उसकी वीडियो नहीं देखी इसको कैसे लगाना है आपको फॉन्ट को अपने पिक्सल ऐप में लेके आना है, तो उसकी वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके वीडियो भी देख सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर लेंगे जिससे थोड़ा कूल लुक लगे। तो ये करने के बाद इसका हम जो शैडो है शैडो का एनेबल करेंगे, और इसका शैडो का कुछ इस टाइप से हम इसकी सेटिंग करेंगे। इसका ब्लर रेडियस फुल कर देंगे, और ऑफसेट को भी हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे, जैसा कि जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑफसेट एक्स को 8 रख लेंगे और ऑफसेट वाई को भी हम 8 रख लेंगे, ठीक है। ओके पे प्रेस कर देते हैं। अब जो हमारा ये ब्लैक वाला आइकन है, उस ब्लैक वाले आइकन को क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक वाले का भी हम शैडो लेंगे जिस तरीके से हमने उसका सब्सक्राइब कर लिया था। इसका भी ब्लर रेडियस फुल कर देंगे, और इसका भी हम ऑफसेट सेटिंग लेंगे। इसका हम रखेंगे -30 के अकॉर्डिंग रख लेंगे, 30 तक रख लेंगे, और वाई को भी हम 30 तक रख लेंगे। यहाँ पे हमने इसको रख लिया। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी थोड़ी सी ओबेसिटी को हम यहाँ पे 70 कर देंगे, ये देख सकते हो 70 पे हम कर देते हैं इसका, तो ये काफ़ी अच्छा लुक लगता है। एक और टेक्स्ट लेंगे। अब इसके नीचे आप कुछ भी अपना स्लोगन वगैरह लिख सकते हो, तो मैं अभी कुछ ऐसे ही लिख दे रहा हूँ रैंडम सा, आप भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो आपका चैनल होगा। और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे कि ये सीधा सीधा इसके टेक्स्ट के नीचे नजर आए, और सबको हम एक साथ मर्ज कर लेंगे। तो ये सबको वापस से हम मर्ज कर लेते हैं ये ब्लैक वाला आइकन तक, ठीक है, सबको हम मर्ज कर लेते हैं, एक साथ हो जाएगा ये। तो इसको मर्ज कर ले करने के बाद आप इसको कहीं एक साथ ही आप इसको रिसाइज वगैरह भी कर सकते हो। अब मैं इसमें आप क्या करूँगा, जो यूट्यूब का लोगो होता है वो PNG ले लूँगा, तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो सिंपली इस पर PNG को। तो मैं इस PNG को ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा सा अलाइन करूँगा, और इसके जस्ट बगल में हम इसको रख लूँगा यूट्यूब वाला जो लोगो है उसको। और इसके भी हम इसका पहले इन शैडो हम इसका सेट करेंगे, इसको इन शैडो पे आप क्लिक कर लेना, और इसको भी हम रख लेते हैं -1 पे रख लेंगे। और ये इस पर आप ये देखो इसका शैडो हम थोड़ा सा कम कर देंगे, और ओके पे हम प्रेस कर देंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब इसका भी शैडो ले लेते हैं,
अब प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद हम कुछ जो हमारा सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह है उसको हम लेंगे। तो आप गूगल से इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका कलर अभी ब्लैक है, अभी मैं इसको व्हाइट करूंगा। तो सिंपल पहले इसको रिसाइज कर लेता हूँ जहाँ मेरे को लगाना है, ठीक है। मैं इसको सपोज यहाँ लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर रख करने के बाद और इसका जो हमारा जो टेक्स्ट वगैरह है कलर वगैरह हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद कलर पे हम जैसे क्लिक करेंगे, कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हो, मैं व्हाइट ले ले रहा हूँ। और इसको थोड़ा सा रिसाइज करने के बाद इसके ऊपर हम लिख देंगे फॉलोअर्स, और एक टेक्स्ट ले लेते हैं और फॉलोअर्स वगैरह लिख देते हैं। आप कुछ दूसरा चीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका भी मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, तो आप रैंडम फ़ॉन्ट भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही फ़ॉन्ट लो। तो मैं इसको ऐसे करके अलाइन कर देता हूँ। इन दोनों को भी अब हम अभी मर्ज कर देंगे जिससे ये इकट्ठे हो जाए दोनों, अलग अलग ना हो। तो इसी वाले आइकन पर दोबारा से मैं जो जैसे हमने बाकी मर्ज करा था सेम वैसे इसको मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हमारे सारी चीज़ें सेट हो चुकी है। अभी एक बार हम इसका साइज चेंज करेंगे, जो हमारा ये पूरा लेआउट हम बना रहे हैं। अब यूट्यूब तो चैनल बैनर बनाओगे उसके लिए हम साइज ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो इसका 4:3 कर देंगे, बाकी ये चीज़ें सेम रहेगी, देख सकते हैं उसकी कुछ सेटिंग। और ओके पे प्रेस कर देंगे, तो ये अब हमारा जैसे मोबाइल में किसी का शो होता है उसी अकॉर्डिंग में ये अभी बन रखा है। तो इसको हम रिसाइज करेंगे और अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेंगे। एक जैसा आप देख सकते हो, आप कुछ इस तरीके से सेटिंग कर सकते हो या अपने मनचाहा कुछ सेटिंग कर सकते हो। इसको अब हम सेव कर लेंगे, ठीक है, अपने फ़ोन में। अब एक नया प्रोजेक्ट हम ओपन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और जो हमने पहला सेव करा था उसको हम लेके आ जाते हैं। पहले इसको चैनल थंबनेल बैनर पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे अब हमारा फाइनल जो अपना आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग में। तो इसको ले लेते हैं। अब यहाँ से टेक्स्ट जो हमने पहले सबसे पहला बैकग्राउंड लिया था उसको हम लेने के बजाय रिसाइज कर लेते हैं। अब हमारा जो हमारा लो वो था चैनल बैनर था उसको लेके आ जाएंगे। इसका साइज वगैरह भी हम पूरा फुल करेंगे यहाँ से, विथ वगैरह सेट कर लेना। अब इसको सेंटर पे हम लेके आ जाएंगे जिससे हमारा बिल्कुल ही सेंटर पे हो जाए। और इसका हम एक बार शेडो भी चेंज करेंगे जिससे काफ़ी अच्छा लुक लग जाएगा। बैकग्राउंड में आप कोई दूसरा चीज़ भी आप सेट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। इसी तरीके की वीडियो अगर और भी देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।